व्हाट नेक्स्ट आफ्टर CUET PG? जी हाँ, आपका आ चुका है रिजल्ट, तो अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपको बताने वाली हूँ कि CUET PG का रिजल्ट जो आपका आ चुका है, अगर आपने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है, स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, तो उसको जा करके कर लें विथ सिंपल ईजी स्टेप। आपको सिंपल जो है गूगल पर जाना है, CUET PG क्लिक करना है, वहाँ पर आपको उसके बाद जैसे आपने आंसर की को चेक किया था वैसे ही एकदम ईजी स्टेप है। चलिए अब हम आगे का समझेंगे। जैसे कि आपने जब एग्ज़ाम दिया होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के, सेंटर से लेकर के, एग्ज़ाम देने से लेकर, आंसर की से लेकर के, अब आप फाइनली आपका रिजल्ट ये आ चुका है, तो अब इसके आगे की प्रक्रिया को समझेंगे। बट उसके पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या पहली बार चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि भविष्य में इस प्रकार की और जो अपडेट आएगी, अगर आपके मार्क्स कम हैं तो किस यूनिवर्सिटी में लें, कैसे, जो भी आपके क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चीज़ है वो आपको करनी है अपने मार्क्स के एनालिसिस। जैसे आपका 400 मार्क्स का पेपर था, तो आप देख रहे हैं कि CUET PG में नॉर्मलाइज्ड स्कोर नहीं दिया गया है, वहाँ पे आपका सिंपल जो है स्कोर बता दिया गया है पार्ट ए और पार्ट बी का अलग अलग, कि पार्ट ए में आपका कितना है और पार्ट बी में आपका कितना है। तो इस केस में आपके पास सिंपल एक मार्क्स आएगा जो आपका टोटल है। तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि आप अपने मार्क्स को देखेंगे कि आपका मार्क्स कैसा है। वो बहुत अच्छा है, टॉप मार्क्स है, मतलब जो आपके प्रीवियस ईयर से BHU हो गया, DU हो गया, टॉप यूनिवर्सिटी के जितने कट ऑफ्स हैं उसके मार्क्स के इर्द गिर्द है, मतलब आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं। मॉडरेट हैं, तो आपके पास दोनों चांस हैं, मतलब आप टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के भी चांस हैं, या फिर आप जो है दूसरे यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में भी आप करा सकते हैं। ये बात रही, अगर आपके मार्क्स कम है तब आप किस यूनिवर्सिटी में जाएं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो आपको यही काम करना है कि अपने जो आपकी मार्कशीट पे मार्क्स हैं, स्कोर कार्ड पे, उसको देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप चुन लीजिए। और यहाँ से फिर आगे की प्रक्रिया देखिए आपको क्या करना है। रजिस्टर करना है फॉर काउंसलिंग। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको लगता है कि काउंसलिंग, अब हमारा रिजल्ट निकल गया, अब यूनिवर्सिटी तो हमें खुद ही बुलाएगी और हम जा करके वहाँ पे जो है खुद वहाँ पे जा करके हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। जैसे जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उस फॉर्म में आपने कई सारे यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस में डाला होगा, तो अब जब आपका रिजल्ट आ चुका है तो आपको पता होगा बहुत सारे यूनिवर्सिटी, जैसे BHU, इसका पहले से ही पोर्टल जो है आपका दिया गया था BHU AC.online, तो ये आपका पहले से चल रहा था, लेकिन अब चूंकि रिजल्ट आ गया है तो जिन्होंने पहले से भी अपने काउंसलिंग पोर्टल को ओपन किया था वो अभी भी करेंगे, और जिन्होंने नहीं किया था वो तो करेंगे ही, ताकि बच्चे उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकें। हर एक यूनिवर्सिटी में आपको जाकर करना होगा, जो भी यूनिवर्सिटी आपको है कि नहीं मेरे मार्क्स को आपने देख लिया कि आप कट ऑफ देखिए प्रीवियस ईयर, या यूनिवर्सिटी के साइट पे जाइए वहाँ पर देखिए। जैसे मान लीजिए आपको BHU में कराना है, तो BHU का मैंने बताया भी है कि आप सिंपल उसके वेबसाइट पे जाइए, BHU का मेन कैंपस का जो है, वहाँ पर आपको देगा स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन। लॉगिन करते ही आपका CUET PG में जब आप जाएंगे उस सेक्शन में, तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी है वो आपको वहाँ पर दिखेगा और उसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में कराना है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में कराना है, असम यूनिवर्सिटी में कराना है, ठीक, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में कराना है, तो आप इन सब में अगर आपके मार्क्स लो हैं तो आप इन सब तरफ देख सकते हैं। जो ये कम मार्क्स हैं वो असम यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपके आसानी से जो है आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक। अब इसके साथ ही जब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है यूनिवर्सिटी वाइज, मतलब सबके पोर्टल पे आपको जितने में कराना है उन सब के पोर्टल पे आपको इंडिविजुअली जा करके वहाँ से रजिस्टर कराना होगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप है काउंसलिंग अपडेट। अब इसके बाद जब आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है पोर्टल से, अब आपका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद जैसे जैसे काउंसलिंग की अपडेट आएगी, आपने अपना नंबर दिया होगा तो उस पर भी अपडेट आएगी, अदरवाइज़ हम लोग भी हैं यूट्यूब पर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, जहाँ से भी आप देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर समय अपडेट दे दिया जाएगा। तो ये आपको होगा और काउंसलिंग की अपडेट दी जाएगी, उसके बाद आएगा कट ऑफ। अब ये कट ऑफ ऐसा नहीं है कि आपका पेपर एक हुआ तो कट ऑफ भी एक आएगा, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग कट ऑफ आएगा। BHU अपना अलग देगा, DU अलग देगा, आपका इलाहाबाद का तो मान लीजिए PG अपना पेपर है, उन्होंने अलग कराया है इस बार, तो AU का तो मान लीजिए अलग है। इसके अलावा आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा, असम, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था आपके CUET PG के अंतर्गत, सभी अपना इंडिविजुअल कट ऑफ देंगी। और जब कट ऑफ देंगी उसके पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होना चाहिए, क्योंकि जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा कट ऑफ जारी करने के बाद, आपके जितने नंबर हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि भाई आपका एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं। और एट लास्ट आपको कर देना है पेमेंट, और जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाती है तो वहाँ पर आपकी एक सीट कन्फर्म हो जाती है कि आपका सीट है, क्लियर है।
इसके बाद आप ले लेंगे एडमिशन और जाएंगे कॉलेज, और इसके बाद कॉलेज पे जाने के बाद वहाँ पर एक बार फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि सारी चीज़ें आपकी सही हैं कि नहीं, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रक्रिया हो रही थी जब तक अभी पहले काउंसलिंग में, तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे, बट वहाँ पर भी रीवेरिफिकेशन होता है। क्लियर है? इसके साथ जिनका लो मार्क्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि असम यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहां डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, तो आप वहां पर भी पता कर सकते हैं अपने आसपास के क्षेत्र में कि कहां पर डायरेक्ट एडमिशन होता है, और वहां पर भी आप जाकर के करा सकते हैं अगर आपकी ज़्यादा कम मार्क्स हैं तब। और अगर मॉडरेट में हैं तब आप दोनों यूनिवर्सिटी के लिए जो अच्छी बहुत आपको जो मनपसंद है उसमें भी आप रजिस्टर कराइए काउंसलिंग के लिए, और साथ में जो उसके बाद जहां पे कट ऑफ आपकी अच्छी है तो उस यूनिवर्सिटी में भी आप यहां पर करा सकते हैं। तो CUET के बाद पहले तो आपको यही सारी प्रक्रिया करानी है, काउंसलिंग करानी है, काउंसलिंग की अपडेट लेते रहनी है, कट ऑफ देखनी है, उसके बाद उसमें जो है पेमेंट कर देंगे तो सीट कंफर्म हो जाएगी। तो ये था आपका पूरी की पूरी प्रक्रिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, इसके साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।